नमस्कार, आज हम बात करें ममता बनर्जी की। उन्होंने कल बयान दिया, उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और जिन लोगों को बीजेपी को हराना है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। अब उनके इस कथन को से जो विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं उसको एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, नेतृत्व तो कौन होगा आप कहा जा रहा है, इस मसले को आप टाल दीजिए, कोशिश ये हो कि सब एक साथ आए। हाल ही में हमने देखा किस तरह से खम्मा में भी रैली हुई थी, केसीआर कोशिश कर रहे हैं, हाल ही में एमके स्टालिन के चेन्नई में उनके 70वें जन्मदिवस पर एक समारोह हुआ जिसमें फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग पहुँचे हुए थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहले विपक्ष को सब साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और कौन नेतृत्व करेगा इस पर बाद में विचार करें। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि देखिए ये सही, हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए बीजेपी का, और कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पर बाद में निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम जानते हैं नीतीश कुमार कोशिशें कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का इस समय ये बयान आना क्यों हुआ है, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। अब देखिए, कल ही तीन राज्यों, जो उत्तर पूर्व के तीन राज्यों में जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी सरकार में आ गई, भले ही वोट प्रतिशत में कुछ इधर उधर हेरफेर हुआ हो, लेकिन सत्ता में आती हुई तीनों राज्यों में बीजेपी है। तृणमूल कांग्रेस ने कोशिश की मेघालय में अपना वर्चस्व बनाने की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, उससे ममता बनर्जी आहत होंगी। और साथ ही जो एक बायपोल हुआ, सगर देगी में जो एक बायपोल की एक सीट जो थी उनके मंत्री के मृत्यु के बाद जो खाली हुई थी, वो कांग्रेस ने जीत ली है। जो ये सीट है, ये अधीर रंजन सेन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके इलाके में आती है। लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ पे एक बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि जो ये सीट कांग्रेस ने जीती है ये इसलिए जीती है क्योंकि लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गए और इसलिए तृणमूल को हराया। जो विश्लेषक है वो ये कह रहे हैं कि जो एक मुस्लिम बहुतायत यहाँ पे जो सीट है, ये अमूमन 50 साल से ऊपर से ये तृणमूल को वोट करते आए थे, लेकिन इस बार जो ये समुदाय है उन्होंने वोट कांग्रेस को ज़्यादा किया है। इससे जाहिर तौर पर ममता बनर्जी खींची हुई हैं। अब उनका ये आरोप है, ये एक बड़ा आरोप है, उनका ये कहना है कि ये बीजेपी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर ही हराया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा कि जब वो प्रचार करने जाती हैं तो क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस है और कांग्रेस से कहीं शायद जो लोग हैं, मतदाता हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। उन्होंने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि मैं कांग्रेस से अलग हो चुकी हूँ, मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। तो इससे एक संकेत ये भी जाता है कि किस तरह से वो कांग्रेस से दूरी बनाना चाहती हैं। अब कांग्रेस से दूरी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बनाना चाहती है, केसीआर भी जो हैं, जो वो फ्रंट बना रहे हैं, अपोजिशन फ्रंट बना रहे हैं, वो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी फ्रंट बना रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले एक समय कहा था कि इशू बेस्ड सपोर्ट, लेकिन वो भी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिखना चाह रहे हैं। इन सब में जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति उनकी इसलिए थी क्योंकि वो पंजाब भी जीत चुके थे। पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य है, हमारा सरहदी इलाका है, जहाँ पर तृणमूल, जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो अपने आप में तीन बड़े दिग्गज ऐसे नेता हैं जो बिना कांग्रेस के विपक्ष में डटे और बने रहना चाहते हैं। तो इसमें जो विपक्ष है उसको अपनी स्ट्रैटेजी, नीतीश कुमार को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस जल्दी फैसला ले, कोई भी ऑपोजिशन बिना कांग्रेस के पूरा नहीं होता। तो अपने आप में आज जो ममता बनर्जी का जो बयान है इसका क्या असर होगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष की राजनीति है वो किस ओर आगे बढ़ती है 2024 से पहले। नमस्कार।